हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्मार्ट बेड के बारे में बात, जो कि होने वाला है रेडमी की तरफ से, रेडमी का मी बेड 5। और दोस्तों, जो मी बेड 5 होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कमाल और बिल्कुल नया स्मार्ट बेड होने वाला है। तो प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मी बेड 5 है, थोड़ा अजीब और बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं रेडमी के बैंड की, जो कि होने वाले मी बैंड 5। और दोस्तों, मैंने आप लोगों से ऐसा क्यों बोला कि ये बैंड थोड़ा सा अजीब और बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है, ये तो मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। लेकिन हम बात करते हैं मी बैंड 5 के बारे में। दोस्तों, जो रेडमी है वो प्लानिंग कर रही है अपने मी बैंड 5 को लॉन्च करने का, यानी कि वो सोच रही है कि बहुत ही जल्द मी बैंड 5 को लॉन्च करा जाए। मैं आपको बता दूं कि रेडमी ने पिछले ही साल यानी 2019 में अपने मी बैंड 4 को लॉन्च करा था, जो कि हमें देखने को मिला था कलर डिस्प्ले के साथ में, और मतलब और भी बहुत से फीचर्स और बहुत ही बढ़िया बैंड हमें देखने को मिला था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें जो कमाल की और अजीब बात होने वाली है, वो होने वाली है इस मी बैंड 5 का पंच होल डिस्प्ले। हाँ जी दोस्तों, आपको पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी स्मार्ट बैंड में आपको देखने को मिलेगी पंच होल डिस्प्ले। देखिए, मैं आप लोगों को एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, जो आपको लोगों को फ़ोटो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये फ़ोटो लीक हुई है इसी मी बैंड 5 की। और दोस्तों, ये जो आप फ़ोटो देख पा रहे हैं, जो फ़ोटो लीक हुई है, वो हुई है एक स्लैश लीक्स नाम के ट्विटर हैंडल पर, यानी स्लैश लीक्स नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर इस फ़ोटो को लीक करा गया है कि ये मी बैंड 5 है। दोस्तों, अगर ये सच्ची में मी बैंड 5 होने वाला है, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा कमाल का बैंड होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने स्मार्टफोन्स में पंच होल देखे हैं, जिनके अंदर कैमरा देखने को मिलता है हमें, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है एक स्मार्ट बैंड के अंदर पंच होल डिस्प्ले। तो दोस्तों, ये काफ़ी अजीब सी बात नहीं लगी आपको? अगर लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो दोस्तों, पंच होल डिस्प्ले की बात करें बैंड के अंदर, तो आपको इसमें शायद कैमरा भी देखने को मिल सकता है और कोई सेंसर भी देखने को मिल सकता है। कैमरा क्यों? क्योंकि हमने जितने भी स्मार्टफोन्स देखे, जितने भी पंच होल वाले स्मार्टफोन्स देखे, उन सब के अंदर हमें पंच होल के अंदर कैमरा देखने को मिलता है, और शायद क्या पता बैंड में भी कंपनी ने कैमरा डाल दिया हो, या हो सकता है कोई और भी सेंसर हो, हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन पंच होल सुन के तो कैमरा ही दिमाग में आता है। तो अगर सोचो आप लोगों को बैंड में कैमरा देखने को मिल जाए, तो कितना मज़ा आएगा कि इतने छोटे से, यानी बैंड तो छोटा सा ही होता है, इतने छोटे से बैंड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है कैमरा। तो दोस्तों, अगर आप लोग सोचो आपके पास एक स्मार्ट बैंड हो जिसके अंदर हो कैमरा, तो कोई यार सामने वाला बंदा विश्वास भी नहीं कर पाएगा, सोच भी नहीं कर पाएगा कि इसके इतनी सी छोटी चीज़ के अंदर एक कैमरा छुपा हो सकता है। तो क्या पता कैमरा होता है, इसके अंदर सेंसर होता है, अभी कंफर्म नहीं करा गया। तो अगर कैमरा दे दिए कंपनी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात लगती है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यानी बहुत ज़्यादा इस मी बैंड 5 को ख़रीदने के लिए, क्योंकि यार किसी बैंड में पंच होल डिस्प्ले सुनने में ही बहुत ही ज़्यादा कमाल लगता है। दोस्तों, मेरे को इंतज़ार रहेगा इसी बैंड का लॉन्च होने का, आप लोगों को भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप लोग भी चाहेंगे कि हमारे पास एक पंच होल डिस्प्ले वाला बैंड हो जिसके अंदर छुपा हो एक कैमरा। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसके अंदर कैमरा हो सकता है कि सेंसर हो सकता है, आप लोगों का माइंड क्या कहता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अभी तक ना तो इसके स्पेसिफिकेशंस लीक हुई है, ना इसका प्राइस लीक हुआ है, और ना इसकी लॉन्च डेट सामने आई है कि कब हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसकी कमाल की बात सामने आई है फ़ोटो में, वो आई है इसका पंच होल डिस्प्ले। तो दोस्तों, यही एक कमाल की न्यूज़ मैंने आप लोगों को आज बतानी थी। तो बस आज की वीडियो में इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा लेना सब्सक्राइब करके, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, और हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।